बिल्कुल, क्योंकि मैं समाज में रहता हूँ। देखिए, एक छोटा सा वाक्य बताता हूँ मैं आपको, बड़ा अजीब गरीब वाक्य है। हमारे अलीगढ़ से 35 किलोमीटर दूर एक जगह है छर्रा। छर्रा का एक गांव है बड़ी बाई, वहाँ 85% मुस्लिम रहते हैं, और उनका सिर्फ कारोबार ये है कि वो बकरे पालती, और ऐसे बकरे पालती जिनकी कीमत 1.5-2 लाख रुपए की होती है एक ही बकरे की। वो कुर्बानी के लिए बकरे तैयार करते हैं, और उसमें बहन बेटियां काम करती हैं, बाकायदे लड़कियों के नाम से वो बकरे पाले जाते हैं, और बकरीद के बाद बेचने के बाद में उनकी शादी की जाती है बच्चियों की। बकरीद के बाद मकान बनाया जाता है, बकरीद के बाद ही ज़मीन खरीदी जाती है। वहाँ पर जो गांव में कोई भी काम होता है वो बकरीद के बाद होता है। उनका मेन बिजनेस ही 200 साल से यही है कि बकरी पालकर खूबसूरत खूबसूरत कुर्बानियों के बकरे तैयार कर और बम्बई ले जाना, जैसे किसान फसल के बाद। किसान फसल के बाद उनका मेन कारोबार यही है। लेकिन इस मरतबा क्या हुआ, 365 बकरे लेके वो गए गांव वाले, 4 ट्रक के अंदर 365 बकरे 1.60 करोड़ रुपए के, 1.60 करोड़ अलीगढ़ से लेके गए। ईद से 4 दिन पहले निकले अलीगढ़ से, और वो दूसरे दिन दाहोद पहुंचे गुजरात के अंदर। सुबह 8 बजे दाहोद में उनको रोक लिया गया। एक थाना है रोलर थाना है दाहोद के अंदर, वहाँ पर RSS के लोगों ने उनको रोक लिया और उनके साथ मारपीट करी, और उनके बकरे सब उतार लिए गए, उनको बंद कर दिया गया, और बकरे एक संस्था में भेज दिए गए सब। 3 दिन तक वो कोशिश करते रहे हम लोगों से मिले। हमने दिल्ली में जो पटेल साहब हैं, उनका क्या नाम है, जो कांग्रेस, अहमद पटेल साहब से बात करी। अहमद पटेल ने कहा मेरे एक छोटे भाई हैं MLA, उनसे बात कर लीजिए, वो आपकी मदद करेंगे। हमने उनसे कहा ये बहुत गरीब लोग हैं, इनकी बहन बेटियों की शादी जरिया यही है बकरे, और बकरों में कोई पाबंदी तो है नहीं, इन्हें आप क्यों मतलब इनको लूटा मारा पीटा। उनके पास 4.5 लाख रुपए जो उस ट्रक वालों को देते किराए के, वो छीन लिए गए और थाने में बंद कर दिया गया। 4 दिन बाद उनको जेल भेज दिया गया, उन बकरे कहीं और भेज दिए गए। केस कोर्ट में पहुंच गया, डेट आ गई, कोर्ट ने 5 तारीख डाल दी, ईद निकल गई, ईद 2 तारीख की थी बकरा ईद। अब वो बकरे किसी मतलब के नहीं रहे। वो बकरे आज भी अहमदाबाद के अंदर एक संस्था के अंदर पड़ हुए, कितने मरे कितना जिंदा रहे अभी तक कुछ पता नहीं। वो बेचारे सब के सब किसान, 24 किसान थे, 24 के 24 अलीगढ़ आ गए, रोते पीटते रहे, उनकी कोई सुनने वाला नहीं है। तो देखिए, आज जहाँ हालात ये हो कि सिर्फ नाम से चिड़ हो रही हो किसी को, लिबास से चिड़ हो रही हो किसी को, टोपी से चिड़ हो रही हो किसी को, दाढ़ी से चिड़ हो रही हो किसी को, एक ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया गया कि सिर्फ और सिर्फ, अगर मुझे कोई लोग नहीं जानते, मैं जमीरुल्ला ना होकर रामू और शामू बन जाऊं तो मुझे नाश्ता भी मिलेगा, चाय भी मिलेगी, खाना भी मिलेगा, मुझे इज्जत भी मिलेगी। और मैंने जहां बता दिया जमीरुल्ला, ये सब जगह नहीं है पोजिशन, ये सब जगह नहीं है, ज्यादा लोग नहीं है, ये थोड़े से लोग हैं। ऐसा नहीं है मुल्क के अंदर सभी खराब हो गए, लेकिन वो थोड़े से लोग इतने हावी हैं मेजोरिटी पर कि बस वो बेचारे बोलते नहीं है, वो थोड़े से लोग अपनी हुकूमत चला रहे हैं। और हालत ये है कि मुसलमानों के हर काम पर उनकी टिप्पणी होती है, उनके हर काम को बुरा समझा जाता है। तो मेरा कहना मतलब ये है, आज हालत ये है, वो गांव के लोग भूख की कगार पर हैं। 1.60 करोड़ के बकरे बहुत होते हैं गरीब आदमियों के लिए। जी जी बिल्कुल। एक एक आदमी के बकरे 16-16 लाख रुपए के हैं, 14-14 लाख रुपए के, 8-8 लाख रुपए के, और साल भर की मेहनत लगी हुई है। साल भर की मेहनत लगी हुई है, वो तो बिल्कुल तबाह बर्बाद हो गए, रिश्ते छूट गए बच्चियों के। साल भर की मेहनत है और कई सालों के